स्वागत है आप लोगों का अमृकेश किचन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं पनीर और प्याज की पकौड़े की रेसिपी। बहुत ही सुपर टेस्टी, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार जाता है झटपट। तो चलिए, आप लोगों का समय न लेते हुए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं पनीर और प्याज के पकौड़े। तो सबसे पहले हम एक प्याज को बारीक काट करके उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो प्याज है पानी छोड़ दें। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे हरा मिर्चा। इसके साथ इसमें डालेंगे बेसन, तो 2 बड़ा चम्मच बेसन हम डाल देंगे इसमें। और इसके बाद कम पड़ेगा बेसन तो हम और ले लेंगे, लेकिन पहले इतना ही बेसन डालेंगे। इसके बाद हमने पनीर को कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। इसके बाद देखिए, अदरक का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, इनको हम डाल देंगे। साथ में 1 चुटकी हींग डाल दिए हैं। इसके बाद साबुत जीरा है, उसको डाल देंगे। और क्रश करके हमने अजवाइन भी डाल दिया इसमें। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी छोटा चम्मच, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच छोटा चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच करीबन गरम मसाला इसमें हम डाल देंगे। अब इनके साथ ही हरी पत्ती धनिया की है वो हमने डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो पानी इसमें अभी नहीं हम डालेंगे, पानी की आवश्यकता पड़ेगा तो बाद में डाल लेंगे, लेकिन भी पानी नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि प्याज ने पानी भी छोड़ा है और जो पनीर है उससे भी पानी निकलेगा, तो पानी हम नहीं डालेंगे। देखिए, उसी से हमारा बाइंड हो गया है। तो जितना आप लोगों को बनाना हो उसी के हिसाब से हम लोग प्याज काटें, पनीर भी उसी के हिसाब से डालें। तो हमको थोड़ा ही बनाना था, तो देखिए हमने जो बनाया है तो बिना पानी का ही हमने बनाया है। इसके बाद हमने तेल गर्म कर लिया है और तेल में डाल देंगे पकौड़ियाँ। इस तरह से आप लोग पनीर के पकौड़े बना के ज़रूर खाइए। देखिए, बहुत ही क्रिस्पी होता है और स्वाद में बहुत टेस्ट आता है इसके। अब इनको हम अलट पलट कर चला लेंगे इसको अच्छे से, मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, जिससे अच्छे से अंदर से सिक जाएं पकौड़ियाँ। देखिए, हमने पकौड़ियों को अच्छे से तेल में तल लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये नाश्ता है। बहुत ही जल्दी ये पकौड़ी बनेगी, कोई इसमें समय नहीं लगता है। तो देखिए, हमने सभी पकौड़ियों को बना लिया है इस तरह से। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं और लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, थैंक यू एवरीवन।